अनेकों अनेकों सुंदर सुंदर अलग अलग नक्शे बनाए हुए, पर अल्टीमेट सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, मिट्टी है। मुझे भी एक बार यही प्रश्न हुआ कि अगर भगवान शाश्वत है तो उनसे ये अशाश्वत निर्मिति क्यों। हम क्या कहते हैं कि ये सारी वस्तु और व्यक्ति मिटने वाले हैं, पर निर्मिति किन से है, भगवान से है। पर अगर भगवान शाश्वत है तो उनसे हुई ये निर्मिति अशाश्वत क्यों, हो सकता है ना, ये प्रश्न मन में तो उठ ही सकता है। और जब ये मन में प्रश्न उठा तो गुरुदेव के द्वारा इसका जवाब भी मिल गया। मेरे मन में तो प्रश्न यही चल रहा था कि भगवान शाश्वत है, उससे निर्मिति हुई ये जगत की, ये जगत नश्वर क्यों। और तब गुरुदेव के द्वारा जवाब मिला, ये नश्वर जगत इस रूप में नश्वर है। नहीं समझे, जैसे मिट्टी से पॉट बना, पॉट तो फुटके गिर भी सकता है, टूट भी सकता है, गिरकर टूटना ये पॉट का धर्म भी है और या उसकी नश्वरता भी है। उस रूप में वो शाश्वत नहीं है, पर अल्टीमेट जो वास्तविक सत्य है उसमें तो वो सत्य ही है, शाश्वत ही है, मिट्टी तो मिट्टी है। समझ रहे हैं क्या, कुछ तो बोलना पड़ेगा। आपके पास लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप में क्या क्या कहते हैं उसका, कोई यूज नहीं होता, स्क्रीन सेवर, डिफरेंट डिफरेंट बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल, रंगीन बेरंगीन, मिलियन मिलियन प्रकार के वो स्क्रीन्स होते हैं, स्क्रीन सेवर्स होते हैं। पर अल्टीमेट क्या है, एक लाइट ही तो है। अगर किसी को बताया गया ये क्या है तो वो तो यही बताएगा, लाइट ही है। आप अलग अलग सैंपल लो, प्राणी से लो, अलग अलग वृक्षों से लो, और ये सब लेकर आप लैब में जमा कर दो। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उसको उसकी और भीतर जाते हैं, और जब भीतर जाते हैं तो पता चलता है ये क्या है, सब आइटम्स है ना, हाँ नहीं कुछ तो बोलो, हाँ पदार्थ है। और पदार्थ के भीतर क्या है, कुछ इतना भी भीतर, कितना भी भीतर 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 चले जाओ तो पता चलेगा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और थोड़ा सा डीप में जाओ तो संशोधनकर्ता, रिसर्च करने वाले, ये सारे लोग यही कहते हैं, कितना भी डीप चले जाओ तो रिजल्ट एक ही मिलता है कि ये सब ऊर्जा है। क्या है, क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा के ही रूप है, यही बताना था। जो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो उदाहरण है ना, E = mc², ये जो E है उसमें से वो E ही तो एनर्जी का है, और यही हमारे वेदांतों ने कहा है, वेदांतियों ने कहा है, उपनिषदों ने भी यही कहा है, तस्माद्वा ये तस्मात् आत्मान आकाश संभूत। उसी ऊर्जा से आकाश, आकाश से आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायुर अग्नि, वायु से अग्नि, अग्निर आपः, और अग्नि से जल, अभ्य पृथ्वी, पृथ्वी से पृथव्या औषधयः, पृथ्वी से औषध, और औषधभ्यो नम, नम यानी अन्न, अन्नात् पुरुषः, औषधों से अन्न, और अन्न से ये विचित्र मनुष्य, बड़ा विचित्र सा आरंभ अगर देखा जाए तो वेदांतियों ने भी यही कहा और शास्त्र ने भी यही कहा है, ये ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा के कई रूप हैं, आप उसे कुछ भी नाम दो, जो ब्रह्मन है वही आदिमा जगदम्बा पराम्बा शक्ति है। इसलिए बड़ा प्यारा भजन है, हम सब मिलके गाएंगे। जब तू ही तू है